नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा फर्स्ट। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा वही है जिसको हरियाणा की पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यहाँ पर तीन पॉलिटिकल, जो हरियाणा की तीन जो लाल हैं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल, इनके परिवारों के तीन मेंबर यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था। और उस समय पूरे इंडिया की नज़रें यहाँ भिवानी लोकसभा के ऊपर थी। और इसको ऐसे ही पॉलिटिकल लेबोरेटरी नहीं कहा जाता, क्योंकि एक तरफ जाट वोटर्स हैं, दूसरी तरफ अहीर वोटर्स हैं, यादव यादव बेल्ट है। यानी कि जो भिवानी महेंद्रगढ़, जो अभी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक जिन्होंने हरियाणा पे सबसे ज्यादा राज किया, जाट कम्युनिटी, वो भिवानी के अंदर डोमिनेट करती है। और जो आधा पार्ट है महेंद्रगढ़ का, वहां पर अहीर पॉलिटिक्स, जो यादव बेल्ट है वो वहां पर है, जहां पर अभी भी इरिगेशन का पानी, पीने का पानी की बहुत किल्लत है, बहुत डेप्रिवेशन वहां पर, पानी की, हर चीज की वहां पर है। और पावर का कभी उन्होंने बहुत ज्यादा कभी एंजॉय नहीं किया। तो दोस्तों, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो सिटिंग एमपी धर्मवीर सिंह है, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं श्रुति चौधरी, जो 2009 के अंदर एमपी थी, उसके बाद 2014 जब मोदी वेव थी तब वो हार गई थी, और इस बार भी वो कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन यहां से लड़ रही हैं। और जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो जननायक जनता पार्टी की स्वाति यादव। स्वाति यादव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बाकी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता लग ही चुका होगा। स्वाति यादव जननायक जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, वो अपना डेब्यू इलेक्शन लड़ रही हैं, और यूएस में उन्होंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया है, काफी प्रॉमिसिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बार इलेक्शन को थोड़ा सा एक अच्छा मोड पर लाने की कोशिश की, एजुकेशन के ऊपर बात करने की कोशिश की, हेल्थ के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की, डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में बातचीत करने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों, जब इलेक्शन होता है तो ये जो मुख्य मुद्दे होते हैं ये गौण हो जाते हैं। चलिए, खैर, जो अभी हमारे पास भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो रिपोर्ट्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक 2014 के अंदर जाएं। 2014 के अंदर सिटिंग एमपी धर्मवीर सिंह, यह पहली बार अपना लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और इन्होंने जो इलेक्शन था वो बहादुर सिंह, जो इंडियन नेशनल लोकदल के, उनको हरा करके ये एमपी बने थे। और जो थर्ड नंबर पे थे वो श्रुति चौधरी, ये भी कंटेस्ट में थे, तो श्रुति चौधरी इलेक्शन हार गई थी 2014 में। इस बार बहादुर सिंह नहीं है कंटेस्ट में। बहादुर सिंह को जैसे पीछे पता लगा था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जो विनिंग मार्जिन था धर्मवीर सिंह और बहादुर सिंह का, वो 1,29,394 का था। और जो इस बार जो कंटेस्ट में श्रुति चौधरी हैं, तो पिछली बार धर्मवीर सिंह से इनका जो डिफरेंस था वोट्स का वो 1,38,433 वोट्स का था, यानी कितना डिफरेंस था, और डिफरेंस काफी था। और दोस्तों, जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है, इस बार जो मार्जिन है वो करीब जीतने और हारने वाले का 1.5 लाख के करीब करीब का रहने वाला, 1.5 लाख के आसपास, 1,40 भी हो सकता है, 1,60 भी हो सकता है, तो करीब करीब 1.5 लाख का मार्जिन होगा। पिछली बार 2014 में श्रुति चौधरी ने कहाँ कहाँ से लीड लिया था। श्रुति चौधरी ने लीड लिया था लोहारू से 6,000 के करीब वोट्स का, धर्मवीर सिंह से मैं बात कर रहा हूँ, बारडा से 7,000 वोट का, और तोसाम से, जहां से उनकी माताश्री और सीएलपी लीडर किरण चौधरी, जहां से एमएलए हैं, वहां से उन्होंने 11,000 का लीड लिया था धर्मवीर सिंह से। और वो कहां से ट्रेल हुई थी, वो जो साउथ बेल्ट है, जो अहिर लैंड है, वहां से वो धर्मवीर सिंह से लीड काफी ट्रेल किया था उन्होंने। जो श्रुति चौधरी धर्मवीर सिंह से अटेली में करीब 53,000 वोट पीछे थी, महेंद्रगढ़ में 40,000 के करीब वोट पीछे थी, महेंद्रगढ़ के अंदर 40,000, नारनौल के अंदर 30,000, और नांगल चौधरी के अंदर करीब करीब 15,000 के करीब पीछे थी। तो और बाकी सभी जगह, यानी कि धर्मवीर सिंह कितना आगे थे उनसे, ये पता लगता है। तो इस बार क्या नया है, इस बार
जो नया है वो ये है कि जो साउथ बेल्ट है यानी कि जो अहीर लैंड है, कहीं ना कहीं मोदी वेव का असर उनके ऊपर है। उन्होंने ये मान लिया है जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि हमारे जो हित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित हैं, और जननायक जनता पार्टी कैंडिडेट जो हैं स्वाति स्वाति यादव, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो भी करीब 80-90 हजार लाख के करीब वोट लेके जाएंगी। लेकिन जो मेन कंटेस्ट होगा वो बीजेपी कैंडिडेट धर्मवीर सिंह और श्रुति चौधरी के बीच में होगा। अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस बार भी जो श्रुति चौधरी हैं वो लीड ले सकती हैं धर्मवीर सिंह से। लोहारू के अंदर लगभग बराबर रहेंगे, अगर थोड़ा लीड ले सकती हैं वहां से। बाड़ा के अंदर लीड लेंगी तो शाम के अंदर, और बाकी कहीं से उनकी लीड की खबरें नहीं आ रही। बाकी सभी जगह से रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि धर्मवीर सिंह दोबारा से हर बाकी जो 9 सेगमेंट है उनमें से जो बाकी 6 सेगमेंट बच गए उन सभी में वो लीड लेंगे। कारण कारण एक तो जो अभी बातचीत की कि कहीं ना कहीं जो साउथ बेल्ट है यानी कि जो अहीर लैंड है, उन्होंने बीजेपी में अपना कहीं ना कहीं हित देख लिया है। और दूसरा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इन जॉब्स, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट हुई, जिस तरह से जॉब्स मिली, दोस्तों ये जो मुद्दे हैं ये सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिस घर में कभी आज तक सरकारी नौकरी ना मिली हो, वो चाहे वो ग्रुप डी की हो, उनको जब जॉब मिली तो वो परिवार के अलावा एक जो मैसेज गया है वो बहुत बड़ा गया। और इस बार जो जाट कम्युनिटी है, अगर मैं थोड़ा सा अगर कास्ट ब्रेकअप की बात करूं तो 4 लाख जाट हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में, 3 लाख के करीब अहिर हैं, और 1.25 लाख के करीब ब्राह्मण्स हैं, और 70 हजार के करीब बैकवर्ड हैं। तो जो जाट वोट हैं वो श्रुति चौधरी और धर्मवीर सिंह के अंदर बट गई, और जो साउथ बेल्ट है उन्होंने तो बीजेपी को ज्यादातर जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अपना जो है पैरोकार मान लिया कि हम यहाँ पर अगर वोट डालेंगे तो शायद हमारी वोट इस बार काम आ जाए। और जो बैकवर्ड क्लास है वो भी जो है काफी हद तक, क्योंकि जो अर्बन सेगमेंट है वो तो बीजेपी के साथ होता ही था, लेकिन इस बार जो जॉब्स वाली बात है कहीं ना कहीं जो ये जो सिस्टम जो बना था अपना ट्रांसफर का, इसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और कोई बहुत बड़ा एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो अर्बन वोटर्स हैं उनके अंदर भी जो पहले कांग्रेस को भी मिलता था वो इस बार इसलिए शायद नहीं मिल रहा है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है या जो बनिया कम्युनिटी है या जो बैकवर्ड क्लास है, वो जो स्टेट के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो उनको लगा है कि ये जो हमारा साडा सीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है उनको इसके अंदर विश्वास है, और लगता है कि जो भी होगा वो इस राज में अच्छा होगा। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई कि जी देखो मोदी या खट्टर ने अगर कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया तो कोई बुरा भी नहीं किया। तो जब इस तरह का सेंटीमेंट होता है कि जब आप डिफेंड करते हो, जब आप उसे अपना मानते हो, तो इस तरह की बातचीत सामने आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और श्रुति चौधरी कांग्रेस की, इनके अंदर ये टफ फाइट है, लेकिन जो एक डिफरेंस देखा जा रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे जो YouTube चैनल है हरियाणा फर्स्ट, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको आप लाइक करें, और उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके जो हेल्दी कमेंट्स होंगे उनके ऊपर हम गौर करेंगे, और कुछ ना कुछ उस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।